हम अपने नौजवानों को अपने बच्चों को जॉब की तरफ क्यों नहीं लेकर आते थे इसी पे आप देखिए हमने हमने चूंकि फनी तालीम नहीं दे रहे इसलिए हमें हम, हमारा जहन ही नहीं खुलता कि हम जो है अपने बच्चों को फनी तालीम की तरफ लगाएं देखें ये जो ये जो दुनिया है ना ये एक गुजरगा है लेकिन अगर हम इसको स्टेटस सिंबल और स्टेटस कॉन्शियस होके और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े महिला बड़े बड़े नाम उसकी तको तो दौ में लग जाएंगे ना हाँ। तो ना दुनिया हासिल होगी ना दीन हासिल होगा बिल्कुल ऐसे अब चीज़ ये है कि हम जब दुनिया ने हासिल करनी है आपने सुना है एक बादशाह बहुत सारे बादशाह ऐसे गुजरे हैं एक बादशाह जो है फारिफ में टोपियाँ सी अपना गुजारा औकात करते थे टोपियाँ सी वो जो मार्केट बिकती थी उससे अपना गुजारा चलाते थे जो बैतुलमाल था उसे एक पैसा नहीं लेते थे और भी कई एक ऐसे लोग हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि जी हमारा जब तक तो बहुत बड़ा नाम नहीं होगा हमारा जो है तकरीबन वो दो यानी हजार हाँ, गज पे घर नहीं होगा हाँ। यानी कि जब तक हमारा में नहीं होगा हाँ। तो हमारा को अपनी इज्जत का जो मतलब है वो तब्दील करने की जरूरत है थोड़ा सा गोरे जब इतनी तजीम करते हैं तो गोरे से कुछ बेसिक नॉलेज भी लेने की जरूरत है आप गोरे को छोड़े आप अपनी इस्लामी तालीम को इस्लामी तालीम को लेना जाने के, के आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं।, नहीं मसला ये कि हम हाँ। लोग जो है ना बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो किससे इम्प्रेस है हमारी किताब हमारी भागते हैं आप हैं यही बात कुरानी जी बुलाएं तो भाग लेंगे आपके कि पार्टी हो रही है वो फॉरवर्ड सारे के सारे पहुंचे होंगे तो वेस्ट से हम मुतासर है हाँ। उसकी मुख्तलि वजूहत हैं हमने वेस्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है कि जैसे दूध शहद की नहरें बह रही हैं हमें ये नहीं पता वो बेचारे कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारते खैर बात यह हो रही थी कि हमें फनी तालीम की तरफ आना पड़ेगा दूसरी चीज़ ये आपने बहुत अच्छी बात की हमें हर बंदे को ऑलमोस्ट जो कमा सकता है उसको छोटे छोटे कारोबार की तरफ आना पड़ेगा